हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट परम गुरु पाठशाला इंग्लिश मीडियम स्कूल सारसा। आई एम गज्जर जैमिनी। टुडेज माय सब्जेक्ट इज संस्कृत स्टैंडर्ड 6। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न यू द चैप्टर फोर्थ संख्या। चैप्टर फोर्थ संख्या। संख्या का मीनिंग है नंबर। इन द लेसन नंबर्स फ्रॉम 1 to 12 हैव बीन गिवन इन वर्ड्स इन संस्कृत। ये जो नंबर है 1 to 12 वो हम संस्कृत में हमें सीखने हैं। हम 1 to 100 और 1 to 100,000 तक के नंबर हम केजी सेक्शन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर सीख चुके हैं। आप लोग ऑलरेडी 1 to 100 नंबर्स तो केजी सेक्शन में ही सीख चुके हो, बट यहाँ पर हमें ये 1 to 12 ओनली 1 to 12 नंबर हमें 6 स्टैंडर्ड के अंदर संस्कृत में सीखने हैं। कौन सी लैंग्वेज में सीखने हैं? संस्कृत में। आप लोग हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में आप लोगों को नंबर आते हैं कि जैसे 1 to 100 नंबर इंग्लिश में, 1 to 100 नंबर्स गुजराती में, 1 to 100 नंबर हिंदी में। आप लोगों को पता है कि किस तरह से उसको उसका प्रोनाउंस होता है, कौन से कौ में उसको राइट किया जाता है ऑल, बट संस्कृत में आप लोगों को पता नहीं है। तो यहाँ पर हम ये 1 to 12 नंबर जो है वो संस्कृत में सीखने वाले हैं। तो एकम, एकम का मीनिंग है 1। इंग्लिश में एकम को क्या कहते हैं? 1। संस्कृत में एकम 1। तो O-N-E 1 इंग्लिश में 1 कहते हैं, संस्कृत में एकम और हिंदी में एकम। हिंदी में क्या कहते हैं? एकम। सेकेंड तो 2, T-W-O 2। टू को यहाँ पर संस्कृत में हम कहेंगे ध्रे। टू को संस्कृत में कहते हैं ध्रे। फिर है त्रीणी। नेक्स्ट है त्रीणी। त्रीणी का मीनिंग है 3। त्रीणी को इंग्लिश में कहते हैं 3। THREE 3 THREE 3 3 को संस्कृत में कहते हैं त्रीणी। उसके बाद है नेक्स्ट चतवारी। संस्कृत में कहते हैं चतवारी और इंग्लिश में कहेंगे 4। इंग्लिश में कहते हैं 4, F-O-U-R 4। फोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतवारी। और हिंदी में क्या कहेंगे? 4। पंच का मीनिंग है इंग्लिश में 5। पंच का मीनिंग है 5, F-I-V-E 5। हिंदी में कहेंगे 5। हिंदी में क्या कहते हैं? 5। और इंग्लिश में कहेंगे 5, F-I-V-E 5। फाइव को इंग्लिश संस्कृत में क्या कहेंगे? पंच। संस्कृत में कहते हैं पंच। वैसे सट, सट को इंग्लिश में कहते हैं 6, S-I-X 6। सिक्स को संस्कृत में कहते हैं सट। संस्कृत में कहेंगे सट। तो यहाँ पर एकम, द्रे, त्रीणी, चतवारी, पंच, सट। एकम, द्रे, त्रीणी, चतवारी, पंच, सट। देखो यहाँ पर साइड में मैंने फ्लावर्स भी दिए हैं, वो आप काउंट करते हैं। फर्स्ट एकम है तो ओनली 1 फ्लावर, द्रे तो 2,
इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, टू, तो टू फ्लावर्स है। त्रीणी, त्रीणी का मीनिंग है थ्री, तो थ्री फ्लावर्स है, वन टू एंड थ्री। वैसे संस्कृत में काउंट करते हैं, एकम द्रे त्रीणी, एकम द्रे त्रीणी। चतवारी, चतवारी मीन्स फोर, तो यहाँ पर फोर काउंट करते हैं, वन टू थ्री एंड फोर। संस्कृत में काउंट करेंगे, एकम द्रे त्रीणी चतवारी, एकम द्रे त्रीणी चतवारी। पंच, पंच का मीनिंग है फाइव, एफ आई वी ई फाइव, तो यहाँ पर काउंट वन टू थ्री फोर सिक्स, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। संस्कृत में काउंट करेंगे, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच। और नेक्स्ट है सट, सट का मीनिंग है सिक्स, सट का मीनिंग है सिक्स, एस आई एक्स सिक्स, तो यहाँ पर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो वैसे ही संस्कृत में, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट। फिर से एक साथ बोलते हैं, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट। जैसे इंग्लिश में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। हिंदी में कैसे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। वैसे संस्कृत में कैसे, एकम द्रे त्रीणी, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट, चतवारी पंच षट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सप्त, सप्त का मीनिंग है सेवन, एस ई वी ई एन सेवन, एस ई वी ई एन सेवन। सेवन का मीनिंग है सप्त, सेवन को संस्कृत में कहते हैं सप्त। जैसे काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ऐसे ही संस्कृत में करेंगे, एकम द्रे त्रीणी, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त। नेक्स्ट एट, ई आई जी एस टी, ई आई जी एस टी। एट का मीनिंग संस्कृत में है अष्ट, संस्कृत में एट को कहते हैं अष्ट, अष्ट, अष्ट का मीनिंग है एट, अष्ट का मीनिंग है एट। तो काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो संस्कृत में, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त अष्ट, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त अष्ट। नेक्स्ट नव, नव का मीनिंग इंग्लिश में है नाइन, एन आई एन ई नाइन। नाइन को संस्कृत में कहते हैं नव, और हिंदी में भी कहेंगे नव। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त अष्ट नव, एकम द्रे त्रीणी चतवारी पंच षट सप्त अष्ट नव। इंग्लिश में, वन टू थ्री
1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9। वैसे ही संस्कृत में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव सप्त अष्ट नव। नेक्स्ट है 10 10 TEN 10। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं 10, तो संस्कृत में वही नंबर को क्या कहेंगे 10। हिंदी में भी 10 तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो यहाँ पर संस्कृत में भी हम काउंट करेंगे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस। नेक्स्ट है एकादश। एकादश मीन्स एकम एकादश। जैसे हम कहते एक और एक 11, हिंदी में कहते हैं 11, इंग्लिश में कहेंगे 11, ELEVEN 11, ELEVEN 11, 11 को संस्कृत में कहते हैं एकादश, एकादश। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। वैसे ही संस्कृत में एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश। नेक्स्ट नंबर है द्वादश। द्वादश को इंग्लिश में कहते हैं 12। ट्वेल्व ट्वेल्व को संस्कृत में कहेंगे द्वादश, द्वादश। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12। तो संस्कृत में करेंगे 1 2 3 एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश दस एकादश त्रयोदश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश दस एकादश त्रयोदश। तो ये हुए 1 to 12 नंबर संस्कृत की अंदर। हम फिर से एक बार ऑल नंबर रिपीट करेंगे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश। इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ही संस्कृत में हमें बोलना है एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव नव दस एकादश त्रयोदश दस एकादश त्रयोदश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश। जैसे संस्कृत में हिंदी में कैसे बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ, दस ग्यारह बारह, दस ग्यारह बारह। वैसे संस्कृत में एकम द्वे त्रीणी चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश, दस एकादश त्रयोदश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव एकादश नव दस एकादश त्रयोदश, दस एकादश त्रयोदश। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश, दस एकादश त्रयोदश। तो ये हुए हमारे 1 to 12 नंबर। अब एक देखो हमारे वॉश के अंदर भी कितने नंबर आते हैं हमारे 1 to 12। तो अब हमें संस्कृत के अंदर वॉश भी सीखनी है नेक्स्ट लेसन के अंदर। तो उससे पहले हमें वॉश सीखने से पहले हमें क्या करना है, ये जो 1 to 12 नंबर है वो हमें ओरली करने हैं। 1 to 12 नंबर हमें अच्छी तरह से सीखने हैं। क्यों? क्योंकि हमें घड़ी भी सीखनी है संस्कृत में। घड़ी सीखने के लिए हमें संस्कृत में नंबर भी आते होने चाहिए। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश। इस तरह से हमें अच्छी तरह से नंबर आ जाने चाहिए। जैसे कहीं से भी उठाकर आप लोगों को कोई पूछ ले कि 4 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो तुरंत ही आपका आंसर होगा चतवारी। 6 को क्या कहते हैं? षट। 8 को क्या कहते हैं? अष्ट। 11 को क्या कहते हैं? एकादश। 1 को क्या कहते हैं? एकम। 6 को क्या कहेंगे? तो षट। 12 को क्या कहेंगे? तो द्वादश। 9 को क्या कहेंगे? तो 9 को क्या कहेंगे? नव। 5 को क्या कहेंगे? पंच। 2 को क्या कहेंगे? तो 3। इस तरह से कहीं से भी आगे पीछे ऑड इवन नंबर कहीं से भी हमें कोई भी पूछ ले तो हमें अच्छी तरह से संस्कृत में भी ये पता होने चाहिए। इस तरह से आप लोग ये रेडी कर लेना। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दस एकादश त्रयोदश। तो इस तरह से हमें पूरे नंबर जो है आप लोगों को रेडी करने हैं। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है संख्या नंबर्स जिसे हम कहते हैं नंबर्स, ये चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके?